If you are in the age bracket of 20 to 25 years, this video is for you. Actually, हम सबको ऐसा लगता है कि हमारी individual problems हैं, जिससे हम deal नहीं कर पा रहे और eventually exam clear नहीं कर पा रहे. But let me tell you all, सबसे पहले तो earphones लगा लो, short and बहुत ज़्यादा scientific चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ मैं. 20 टू 25 ही वो एज ब्रैकेट है जिसके अंदर आप लाइफ का सब कुछ फेस करोगे, वेदर इट बी कॉलेज असाइनमेंट्स, जॉब, मैरिज, गुड लुक्स को मेंटेन करना, फ्रीडम के बारे में सोचना, मनी मैनेजमेंट करना, पार्टी में जाना, मार्क्स की टेंशन, करियर की टेंशन, अच्छे कपड़े, फ्रेंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी भसड़ इस इरा में ही आने वाली है. और यही 20 टू 25 वाला जो एज ब्रैकेट है उसी में आपको एग्जाम भी क्लियर करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, करियर बनाना है. बिकॉज आफ्टर दिस ईयर यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट फॉर योर फेवरेट एग्जाम्स, फॉर योर फेवरेट करियर, राइट? तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो, इट इज नॉट ओनली यू बट एवरी स्टूडेंट आउट देयर इज फेसिंग द सेम थिंग. डिग्री में कम ज़्यादा हो सकता है एक आधे फैक्टर्स में, बट यू ऑल आर एट द सेम प्लेटफॉर्म. रादर मैं ये कहूँ, ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. हमें क्या समझ में आता है कि ब्रेन में हजारों चीज़ें, जैसे पेन ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं. बट वॉट विल इवेंचुअली मैटर, अब ब्रेन को आगे तो वर्क करना ही है, राइट? तो ब्रेन एक साइंस पे चलता है. अब यहाँ पे हम साइंस से बहुत ज़्यादा डील करने वाले हैं फॉर योर टाइम टेबल. दिमाग को चलना तो है ही, बहुत सारे फैक्टर्स उसे पुल कर रहे हैं. अब दिमाग किस डायरेक्शन में चलेगा? दिमाग आपके डोमिनेंट थॉट वाली डायरेक्शन में चलेगा. जिस थॉट को ज़्यादा डोमिनेंस मिलेगा उस तरफ दिमाग भागने लगेगा. अगर पढ़ाई डोमिनेंट थॉट होगा वो पढ़ाई की ओर भागेगा, अगर वेब सीरीज डोमिनेंट थॉट होगा वो वेब सीरीज के पीछे भागेगा. बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आई नो इन योर लाइफ, बहुत सारी वीकनेसेस हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, यू नो बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास, आई नो दैट. बट द डोमिनेंट थॉट जहाँ पे होगा वहाँ पे आपकी बॉडी जाएगी. बॉडी क्यों जाएगी? क्योंकि आपका ब्रेन बॉडी को सिग्नल्स देगा. दिस इज योर बेसिक बेसिक साइंस, राइट? जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसी तरफ फ्लूइड आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. दिस इज द बेसिक साइंस, ठीक है? उससे आगे हमें क्या समझ में आता है? दो चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं अभी तक. प्रॉब्लम तो है और वो हमेशा रहेगी, यू कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ इट. उसका कोई एस्केप नहीं है, आपको प्रॉब्लम के साथ ही रहना है. 20 टू 25 इयर्स की ही वो प्रॉब्लम होगी. अगर आगे आप जाके देखोगे, किसी से पूछोगे, अभी जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो दैट इज नो मोर अ प्रॉब्लम, बट 20 टू 25 इयर्स में ही सब कुछ फेस करना पड़ेगा. एंड सेकेंड थिंग, प्रॉब्लम्स रहेगी और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा जहाँ पे रहेगा दिमाग उसी तरफ दौड़ेगा, और दिमाग जहाँ पे दौड़ेगा वहीं पे बॉडी फॉलो करेगी, ठीक है? दिस वॉज साइंस नंबर वन. इतनी चीज़ें हमें अभी तक क्लियर हुई है, इससे अब हम डेरिवेटिव आगे बढ़ते हैं. देखो, एक बहुत सिंपल सा साइंस है जिसको हम आज तक भूलते आ रहे हैं. यू जस्ट cannot गो अगेंस्ट नेचर, यू जस्ट cannot गो अगेंस्ट साइंस. जब जब साइंस और नेचर को आपने ओवरपावर या उससे खेलने की कोशिश की है, इट हैज प्लेड यू वेरी बैडली. तो एक चीज मत भूलो कि ह्यूमन बींग, मतलब हम जो हैं, दैट इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नेचर, ठीक है? हम इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, जैसे दूसरे एनिमल्स हवा, पानी, सन, ट्रीज, हर चीज से इंटरकनेक्टेड एक चेन बनाए हुए हैं. तो वाई अस ह्यूमन बींग्स उसको तोड़ने पे लगे हैं? यस, वी आर द एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस इकोसिस्टम, साइंस बता रही हूँ यहाँ पे. देन आई विल बी शेयरिंग यू माई पर्सनल टाइम टेबल जो मैंने बनाया था फॉर क्लियरिंग माई सीडीएस एंड एफकेट एग्जाम्स, ठीक है? ओके, सो व्हाई वी वांट टू ब्रेक दिस चेन फ्रॉम द इकोसिस्टम? आप समझ रहे हो, आपका जो ह्यूमन बॉडी है
उसकी बायोलॉजी समझो, बायोलॉजी यही कहती है, जो आपके अंदर हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जो आपके अंदर एनर्जी बनती है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दे आर इन रिस्पॉन्स विद द नेचर। बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं ऑटोमेटिकली जब सुबह हो जाती है, राइट? आप खाना खाते हो, ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो आपके स्टमक में बढ़ जाता है, सो दैट यू कैन डाइजेस्ट थिंग्स। आप तभी पढ़ने की सोचते हो जबकि ब्लड फ्लो ब्रेन से उतर चुका है, तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू अटेन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? अब आपके शरीर को कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे स्लीप, जैसे खाना, जैसे प्रॉपर रेस्ट, जैसे प्रॉपर ग्लूकोज, जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी गाड़ी बहुत फुल स्पीड पे चले विदाउट द प्रॉपर फ्यूल इन इट। उसको एक बार अच्छे से फ्यूल दो, उसका मेंटेनेंस करो, उसकी सर्विस प्रॉपर करो, तब देखो वो गाड़ी से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगी, राइट? जैसे हम सीजन से कैसे कोऑपरेट करते हैं, जब विंटर होता है हम वही स्टाइल करते हैं बट कुछ प्रिकॉशंस लेके, कपड़े वपड़े अच्छे से चढ़ा के, और जब समर्स होते हैं तब उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी का शो ऑफ हम करते हैं, राइट? तो सीजन से हम कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, तो बाकी चीज़ों से क्यों नहीं चल रहे, राइट? अपनी बॉडी का सिरकाडियन सिस्टम, आप सिरकाडियन रिदम जो है उसको समझने की कोशिश करो और उसके रिस्पॉन्स में टाइम टेबल बनाओ। आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाके टाइम टेबल बनाओगे, कभी प्रोडक्टिव नहीं होने वाला है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? फ्रिक्शन भी, जैसे आप जानते हो कि अगर आप सर्कुलर कर लोगे व्हील को तो उसमें कम फ्रिक्शन लगेगा और आसानी से स्पीड गेन हो सकती है, रादर आप उस व्हील को स्क्वायर रखोगे, दिस इज ऑल्सो अ साइंस। तो आप ज़बरदस्ती अपने टाइम टेबल को स्क्वायर फॉर्मेट में ना बनाएं और उसको सर्क्यूलर कर लें, ताकि फ्रिक्शन कम आए, राइट? फ्रिक्शन कम आएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, राइट? ठीक है, दूसरा साइंस यहाँ पे समझ आया। तीसरा साइंस, पॉइंट नंबर वन, अब 10 steps धक 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 करके आएंगे, उसके बाद आई एम शेयरिंग यू द टाइम टेबल ऑफ माय प्रेपरेशन। सबसे पहला स्टेप फॉर मेकिंग योर टाइम टेबल, देखो इनिशियली पहले कुछ स्टेप्स आएंगे जो आपको टाइम टेबल बनाने में हेल्प करेंगे। अभी साथ साथ ही टाइम टेबल बनाते जाओ, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपना पूरा टाइम टेबल बना चुके होंगे, ठीक है? ओके, टेक अ पॉज एंड ब्रिंग द पेन एंड पेंसिल। आई नो यू डोंट हैव इट राइट नाउ, आप कहीं पड़े हुए इस वीडियो को देख रहे हो, बट डोंट डू दैट, पॉज दिस वीडियो, ब्रिंग द पेपर एंड पेन एंड लेट्स सॉर्ट इट आउट। सबसे पहले अपने सारे बहाने खत्म कर दो, हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है, हमें 7 घंटे सोना है, खाना खाना है, तैयार होना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपनी एसेंशियल चीज़ें लिख दो, ठीक है? मैं अपने टाइम टेबल में शेयर करूंगी कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि एसेंशियल लिस्ट में आते हैं और कौन से पर्सनल हैं। जैसे एक टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ हो गई, एक यूनिवर्सल टाइम टेबल नहीं बन सकता, इसीलिए कह रही हूँ साथ साथ लिखते जाओ अपनी पर्सनल चीज़ों को भी और कॉमन चीज़ों को भी। कॉमन चीज़ क्या हो गई, 7 घंटे सोना, 6 से 7 घंटे सोना, खाना खाना, ब्रेकफास्ट, ये सारी कॉमन चीज़ें हो गई। और पर्सनल चीज़ें क्या हो जाएंगी, जैसे इफ देर इज नो वन टू प्रिपेयर फूड एट माई होम, तो मुझे खाना बनाने में भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ दी एसेंशियल थिंग, लेकिन वो मेरी पर्सनल एसेंशियल थिंग है, वो आपसे डिफर कर सकती है, एंड यू जस्ट के नॉट इग्नोर दोज थिंग्स। तो उनको एक बार लिस्ट में बिठा लो, फिर देखो कि पढ़ाई के लिए कितना टाइम बच रहा है। इनको हम हटा नहीं सकते इसलिए एसेंशियल थिंग्स है, बट इसमें ज़रूर टाइम को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले एसेंशियल थिंग्स को अपने दिन में प्लान आउट कर लो। मैं अपना एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगी तब आपको बेटर समझ आएगा। फैक्ट नंबर टू, मतलब स्टेप नंबर टू, इमोशनल बैलेंस। इफ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशनल इमोशंस विल कंट्रोल यू एंड इन द वेरी वर्स्ट वे। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग। अगर मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा होता है तो मेरी जिंदगी जंड हो गई होती है ना? जैसे नॉर्मल जिंदगी क्या होती है,
इमोशंस आते जाते रहते हैं, कभी बहुत खुशी होती है इसलिए नहीं पढ़ना होता है कि आज सेलिब्रेट कर लेते हैं, कभी बहुत दुख होता है तब लगता है कि नहीं आज पढ़ाई नहीं करनी है, राइट, कि आज आई एम नॉट फीलिंग गुड, आज आई एम नॉट इन मूड, मतलब इमोशंस की वजह से यू आर नॉट एबल टू अचीव द सक्सेस, यू आर नॉट एबल टू फॉलो योर टाइम टेबल, बट अव्वल लेवल मेंटोर जिंदगी क्या होती है, जस्ट हेल्प योर इमोशंस, जस्ट फील इट कि हाउ बैड यू विल फील इफ यू डोंट यू नो अचीव व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर, फील इट हाउ गुड यू विल फील इफ यू आर एबल टू अचीव इट, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, 100 लोग में से कोई अगर एक से दो इंसान सेलेक्ट होते हैं मीन्स ही इज द फिटेस्ट ऑफ ऑल, राइट, सर्कैडियन रिदम और नॉर्मल ह्यूमन बींग पहले बन जाओ, आप नेगेटिव में चल रहे हो, नॉर्मल ह्यूमन बींग बन जाओ और नॉर्मल ह्यूमन से अब आपको फिटेस्ट ऑफ फिटेस्ट बनना पड़ेगा सो दैट आपका नाम लिस्ट में आ जाए, राइट, नॉर्मल ह्यूमन से भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, लेकिन आप तो नेगेटिव में हो, पहले सर्कैडियन रिदम को फॉलो करना सीखो, उसके बाद हमें अवतार लेना है, राइट, अपने इमोशंस को यूज करो, उसको मैन्युपुलेट करो, इससे पहले कि आपके इमोशंस आपको मैन्युपुलेट करें, आई ऑलवेज थिंक ऑफ द डे कि अगर पीडीएफ में नाम नहीं आया तो बाकी सारे दोस्तों का आया, तो पेरेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, मेरी बेटी का हो गया, मेरे बेटे का नहीं हुआ, राइट, इमेजिन उस इमोशंस को फील करो, खुशी वाले इमोशंस को, बुरे वाले इमोशंस को, एंड जस्ट प्लान इट, उस बुरा दिन, वो बुरा दिन मुझे कभी रियल में नहीं चाहिए, मैंने इमेजिन कर लिया, बहुत दुखदाई सिचुएशन था वो, बट अब नहीं, बहुत हो गया, अब आई एम प्रिपेयरिंग, अब नहीं होना चाहिए, यूज योर इमोशंस। थर्ड प्ले कार्ड होगा रिवर्स इंजीनियरिंग, देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बट अभी देखो कि आपके एग्जाम से कितना टाइम बचा है, 10 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है या 3 महीने बचे हैं, उस हिसाब से सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, राइट, अगर 100 दिन है, 100 टॉपिक्स हैं तो 1 दिन में 1 टॉपिक कर लोगे, राइट, बट अगर 50 ही दिन है तो 1 दिन में आपको 2 टॉपिक्स करने पड़ेंगे, डिटेल टाइम टेबल जितना डिटेलिंग के साथ बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, और अगर 100 दिन आपके एग्जाम को बाकी है, कभी भी 100 दिन का टाइम टेबल मत बनाओ, 85 डेज का बनाओ, राइट, कहीं ना कहीं अगर आप टाइम टेबल में गलती कर देते हो, डिले कर देते हो, तो भी वैलेंटाइन आपका आप सिक्योर कर लोगे, अगर टाइम से पहले भी आपका सिलेबस खत्म होता है तो आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऑलवेज यूज रिवर्स इंजीनियरिंग, जितना टाइम बचा है उस हिसाब से डिवाइड करो, देखो कि 1 महीने में कितना पढ़ना है, 1 महीने में फिर इस हफ्ते क्या पढ़ना है, इस हफ्ते में से फिर फाइनली आज क्या पढ़ना है, राइट, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद जो आजकल बॉलीवुड और बाकी का इंटरनेशनल सिनेमा मल्टीटास्किंग को बहुत प्रमोट कर रहा है उसके जलावे में मत आओ, दैट इज ऑल फेक, दैट इज नॉट कूल, कि सब लोग पढ़ाई एक साथ कर रहे हैं, चैटिंग एक साथ चल रही है, गाने साथ साथ चल रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट लिसन टू सॉन्ग्स विच यू नो हाउ टू सिंग, बट आप उसे गाते रहोगे और दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, आप उस म्यूजिक को लगा सकते हो विच इज मेडिटेशनल इन नेचर, विच इज प्योर म्यूजिक ऑफ नेचर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसको आप लगा सकते हो बेटर फोकस करने के लिए, एंड आई चैलेंज यू, जो काम कर रहे हो ना एक बार करके दिखाना, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपने एक काम को किया हो, इफ यू आर ईटिंग जस्ट ईट इट, सोचना भी कुछ और नहीं है, अदरवाइज वी थिंक कि खाना खाने के बाद इतना काम है, ये करना है, उसको रिप्लाई देना है, फोन चार्ज पे लगाना है, नो, डोंट थिंक एनीथिंग वाइल ईटिंग, डोंट थिंक एनीथिंग वाइल स्टार्टिंग, डोंट थिंक एनी डैम थिंग वाइल डूइंग अदर थिंग, राइट, बाथरूम में भी जा रहे हो कुछ और सोचना छोड़ दो, उसी एक्टिविटी में फोकस करो, इट इज वेरी चैलेंजिंग एंड आई चैलेंज यू, एक दिन बस एक दिन कोई एक काम फोकस करके लिख दो, कर दो, आई विल बी वेरी हैप्पी, एक बार करके दिखाओ, राइट, ठीक है, उसके बाद पांचवा आपका साइंटिफिक स्टेप होगा कि अपने आप को ऑफिसर वाला भाव देना शुरू करो, अब इसमें वाइस वर्सा चीजें चलेंगी,
पहली चीज ब्रेन को तैयार करो. आप सोचो कि यू आर डीलिंग विद एन ऑफिसर. उस हिसाब से अगर आपके सामने कोई आर्मी ऑफिसर या डिफेंस ऑफिसर सामने आ जाए, आप उससे कैसे बात करोगे? आप उसे किस तरीके से जाके कोई प्रपोजल दोगे या कोई बात मनवाओगे? उसी तरीके से आप अपने आप से बात करोगे, राइट? जिस तरीके से आपका ब्रेन ट्रेन होगा, उसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, राइट? और अब ये अदर वे राउंड भी हो सकता है. अगर ब्रेन को ट्रेन करना थोड़ा टिपिकल हो रहा है, तो यूज योर बॉडी. बॉडी लैंग्वेज को इतना सही करो, इतना अच्छा करो कि ब्रेन को भी लगे कि यार देखो, अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं. आपको अगर आपका हाथ जल रहा होगा तो पहले हाथ के न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे ब्रेन तक कि हाथ जल रहा है, सेल्स मर रहे हैं. फिर ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि हाथ हटा लो. अब ये इतना फास्ट है कि हमें समझ नहीं आता, बट ये न्यूरॉन्स का जो साइंस है उसको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करो. पहले तो ब्रेन से सिग्नल भेजो बॉडी को कि अच्छे से बिहेव करना है, तू ऑफिसर है, तू ऑफिसर की तरह रहेगा. और फिर बॉडी भी एक सिग्नल, बैक सिग्नल भेजेगा ब्रेन को कि यस, यू आर एन ऑफिसर. अब ये दोनों कोऑर्डिनेशन में जब होने में टाइम लगेगा, बट होने लगेंगे ना, तो योर पर्सनैलिटी विल बी समथिंग एल्स एंड टाइम टेबल जग मार के फॉलो होगा. अंडरस्टूड, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट को समझो. जब पढ़ाई करने बैठोगे, अब फॉलो करने की बात आती है. टाइम टेबल फॉलो कैसे करेंगे? जब पढ़ाई करोगे बहुत सारे काम याद आएंगे. आपका ब्रेन आपको फूल बनाने की कोशिश करेगा. किस तरीके से फूल बनाएगा? उसी पढ़ने के टाइम पे ही याद आएगा कि मुझे पानी पीना था, पूरे दिन में पानी नहीं पिया. तभी याद आएगा कि उसको रिप्लाई करना था. तभी याद आएगा कि वो जो न्यू मूवी रिलीज हुई है उसकी IMDb रेटिंग कितनी है वो देख लो. मतलब जो कर रहे हो, योर ब्रेन विल टेल यू कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको कर ले वरना तू भूल जाएगा. अभी बहुत मुश्किल से याद आया है, जस्ट डू इट, बट डोंट डेयर. नोटपैड लेकर बैठो और उसको लिख लो कि मम्मी को गुड बाय बोलना है, मैसेज करना है, रिप्लाई देखना है, ये करना है. उसको लिख लोगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा कि नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट, राइट? और जब आपका ब्रेक टाइम होगा तब उन सारी चीज़ों को कर लो. बट डोंट यू डेयर, जो टाइम टेबल में लिखा है उसी को एक बार फॉलो करके दिखाओ. नेक्स्ट स्टेप, रिपोर्ट योर डे. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे ही आप सुबह उठते हो, है ना, फ्रेश फ्रेश होके अपनी एक वीडियो बना लो. सेम ऑफिसर की तरह तैयार व्यार होके अपनी एक वीडियो बनाओ और उसमें ब्रीफिंग दो कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दिस डे. क्या आप करने वाले हो? जिस तरीके से एक आर्मी या डिफेंस ऑफिसर डीब्रीफ करता है, बॉलीवुड में बहुत देखा होगा आपने, राइट? अगर डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो तो बॉलीवुड तो देखा ही होगा किस तरीके से एक ऑफिसर, एक कमांडर अपने सोल्जर्स को ब्रीफ करता है. उस तरीके से आपको ब्रीफ करना है बहुत डिटेल में कि आज मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला हूँ, इस सब्जेक्ट्स में इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाला हूँ, आई एम वेरी मोटिवेटेड, आई एम वेरी जोश्ड अप. अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को गुड लक विश करो और ऐसी एक वीडियो बना लो, राइट? ये होगी ब्रीफिंग वाली वीडियो, राइट? कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हो. ये एक वीडियो बना लोगे ना तो एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक शुरुआत होगी. और माइंड यू, ये चीज़ आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी, राइट? फिर रात को सोते वक्त वापस से डीब्रीफ वीडियो. इसको आप डीब्रीफ वीडियो कह सकते हो कि आज के दिन में आपने क्या किया, क्या मिशन थे, क्या सक्सेसफुली अकम्प्लिश हुए हैं और कौन से नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए. और दोनों वीडियो का कंपैरिजन देखना. माइंड यू, ये चीज आपने करने लग गई ना सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, देन आपको कोई नहीं रोक सकता, बस हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप, नॉट टू डू लिस्ट बना लो. जैसे मैंने आज के दिन में पूरा एक्सपीरियंस किया, टाइम टेबल को फॉलो किया, कुछ हद तक नहीं भी हुआ तो आज के दिन में मुझे क्या समझ आया कि ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था. फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जिसकी वजह से मेरी चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाई, तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है. स्पेशली दोपहर के टाइम में आई एम फीलिंग वेरी लेजी एंड जस्ट यूजिंग फ़ोन, सो आई डोंट हैव टू डू दैट. तो जस्ट लिस्ट इट डाउन, और उस लिस्ट में अगर एक बार वो चीज़ आ गई, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए.
नाउ आपकी जुबान की क्या औकात है वो इसमें पता चलेगा. नॉट टू डू लिस्ट में एक बार एक चीज एंटर हो गई, दूसरी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट. फिर फाइनली जो नाइन्थ वाला टॉपिक है, थोड़ा सा अब्यूजिव है, आप इसको खुद समझ जाना. इससे पहले आपका दिमाग आपको फूल करे, आप अपने दिमाग को फूल कर दो. दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट. क्यों? आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा, आपका ब्रेन आपको छलावा देने की कोशिश करेगा कि अब रहने दे, बहुत पढ़ लिया, फोन देख लेते हैं, बहुत टाइम से फोन यूज नहीं किया, इंस्टा पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये मूवी की तो सब तारीफ कर रहे हैं, ये वेब सीरीज तो देखनी पड़ेगी. सारी चीजें आपको ट्रिक करेगा वो कि यार नहीं हो रहा, रहने दे, मूड ऑफ है, आज सेलिब्रेशन टाइम है, आज पार्टी टाइम है, बहुत ट्रिक करेगा. उससे पहले आपका ब्रेन आपको ट्रिक करे, आप डोमिनेट कर जाओ. किस तरीके से? जो भी पढ़ रहे हो उसका रिविजन करके, उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के. मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो बुक्स 100 पेजेस ऑक्यूपाई करती है, दैट आई एम गिविंग देम इन 10-15 प्रेजेंटेशंस ओनली, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ओनली. तो जब मैं रिविजन करने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100 पेज पढ़ने हैं. आई एम ट्रिकिंग माई ब्रेन कि 100 पेज नहीं पढ़ने हैं, बस 10-15 पेजेस, मैक्सिमम 20 पेजेस पढ़ने हैं, है ना. आई हैव ट्रिक्ड माई माइंड कि 20 पेजेस पढ़ने कौन सी बड़ी बात होती, 100 पेजेस पढ़ने बहुत बड़ी बात होती है, बट मैंने शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स बना के उसको 15-20 पेज में ख़त्म कर दिया. MCQ लगाना स्टार्ट कर दो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है. अपने दिमाग को ट्रिक कर दो कि चीज़ें बहुत कम है पढ़ने के लिए, सिलेबस बहुत छोटा सा है, आसान है, आराम से हो जाएगा. एंड द फाइनल स्टेप, 10th step, यूज योर senses. ये कचरे का डब्बा क्या कभी आप अपने पेट में डालना चाहोगे? ऑब्वियसली नो, राइट. तो आप अपने दिमाग में क्यों डाल रहे हो इस कचरे को? कचरे को आप डायरेक्टली नहीं डाल रहे हो, लेकिन आपको पता है क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, रूट्स ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ और इन योर ब्रेन हैव यू नो वेरी स्पेसिफिक पाथवेज. जैसे सारे के सारे सेंसेस आर दोस पाथवेज जिससे नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है. सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, पॉजिटिविटी देख रहे हो, नेगेटिविटी देख रहे हो, वो सीधा रिकॉर्ड होगा ब्रेन के अंदर. आप क्या बोल रहे हो, है ना, कैसी चीज़ें बोल रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हो या नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर माइंड. ये सारे रास्ते हैं, यहाँ से नेगेटिविटी या तो पॉजिटिविटी घुस सकती है आपके ब्रेन में. एंड माइंड यू, नेगेटिविटी हैज़ मच मोर इम्पैक्ट, एक मच मोर हैमर क्रिएट करती है than if you compare it with the positivity. आपके रावण के 10 सर थे, ऐसे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी भगवान नहीं है जिसके 10 सर हो, ठीक है. पॉजिटिविटी को हमेशा बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है टू विन ओवर द नेगेटिविटी. मुश्किल है, करना पड़ेगा, राइट. राम जी भी तभी जीत पाए थे इफ ही वॉज कंसिस्टेंट अगेंस्ट दैट नेगेटिविटी, ही वॉज डिसिप्लिन, ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ मच मोर पावरफुल. टीम बना के, खुद तपस्या करके या कुछ भी चीजें करके ही वॉज कंसिस्टेंट. थर्ड पाथवे, आप क्या सुन रहे हो. आप जो सुनोगे वो ब्रेन सारा रिकॉर्ड कर लेगा, राइट. जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास कंट्रोल्स हैं कहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है, बट ब्रेन डज नॉट हैव दैट ऑन एंड ऑफ बटन. आपका जन्म हुआ है तब से वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा है और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है. अब ये आपके ऊपर है कि अब आपके पास ऑन एंड ऑफ करने का चॉइस नहीं है. आपके पास चॉइस ये है कि आप क्या रिकॉर्ड करवाना चाहते हो अपने ब्रेन से, राइट. एंड हियर इज द झलक ऑफ माय टाइम टेबल. क्या फैक्टर्स हैं जिसको मैंने यूज किया है उसको बनाने के लिए, अपने टाइम टेबल को बनाने के लिए. ऑफ कोर्स 7 घंटे सोना, सॉरी, सुबह एनर्जी चाहिए होगी इसलिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना, मेरे लिए एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है फिट रहने के लिए. एंटरटेनमेंट इज डैम इम्पॉर्टेंट अपने आप को फ्रेश रखने के लिए. रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर मुझे 5 टॉपिक रोज पढ़ने हैं तो वो भी
इंक्लूड करना है। रिविजन कंपल्सरी है, रिपोर्टिंग का मतलब ब्रीफ और डीब्रीफ वीडियो रोज बनाना है सुबह शाम। ये हो गए कॉमन फैक्टर्स जो हम सबको करने हैं। नाउ माई पर्सनल फैक्टर आर, जैसे अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मुझे इंग्लिश के लिए अलग टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, इंग्लिश इंटरव्यूज देखने पड़ेंगे, ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर मेरे घर पे माय मदर इज़ नॉट वेल, इफ़ माय मदर इज़ नॉट वेल तो मुझे खाना तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, राइट तो वो भी टाइम ऑक्यूपाई करने वाला है। टाइम टेबल में मुझे कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। और इफ आई कैन नॉट स्टडी बिटवीन 8 to 9 PM फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत तेज आवाजें आती है, तो आई कैन नॉट जस्ट स्टडी इन बिटवीन दैट, तो मुझे उस स्पेयर टाइम को भी देखना पड़ेगा। दीज आर माई पर्सनल फैक्टर्स। उसी तरीके से आपके भी पर्सनल फैक्टर्स होंगे कि आपका जॉब है, आपका नाइट शिफ्ट है, आपका डे शिफ्ट है, असाइनमेंट्स करने हैं, उस तरीके से पर्सनल फैक्टर्स को भी नोट डाउन कर लो। अब उस हिसाब से दिस इज माई टाइम टेबल, जैसे सर्कैडियन रिदम से मैंने मैच कर दिया इसको, अपनी पूरी साइंस लगा दी कि मुझे सुबह उठ के फ्रेशन अप होना है, रनिंग के लिए जाना है टू कीप माई सेल्फ फिट, अपने ग्लूकोज लेवल को, ब्रेन एनर्जी को गेन करने के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाना है, ब्रीफ वीडियो बनाना है, बुक रीडिंग वगैरह करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग, और जो मेरा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स है रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो पढ़ना है। एवरीथिंग इज मेंशन, माय पर्सनल स्टडी टाइम टेबल, माय यू नो एक्स्ट्रा को करिकुलर, और फाइनली मुझे ब्रीफ डीब्रीफ वीडियो बनाना है और आज क्या नहीं करना था वो लिखना था। जैसे और रोज रोज टिक किया करो, अगर आप टिक करोगे यू विल गेट टू नो, आपको और मोटिवेशन मिलेगा। आप वैसे ही टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे, बस एक टिक लगाने के लिए आप वो चीज करने लगोगे। मेनी अ टाइम्स दिस हैज हैपन टू मी कि स्विमिंग जाने में कभी कभी बहुत ज्यादा आलस आता है, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ अ गुड टिक, अ ग्रीन टिक, मैं वहां पे स्विमिंग के लिए गई हूँ, राइट तो टिक फॉर्मैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज कितने काम हो पाए, राइट जैसे आज क्या नहीं करना था, आज कौन सी चीज मुझसे नहीं हुआ, न्यूज़पेपर और स्विमिंग मिस हो गया। वो रीजंस क्या थे वो मिस होने के, कि जो ब्रीफिंग वीडियो था उसको उसमें सुंदर दिखने के लिए मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिखाए, लाइटिंग चेक करी, मेकअप किया, मैंने बहुत सारी यू नो एंगल से ट्राई किया, और उसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया कि ब्रीफिंग वीडियो बहुत ज्यादा टाइम ले गया, इसलिए मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया, राइट आई हैव टू डायरेक्टली स्विच टू द पॉलिटी सब्जेक्ट, इसलिए न्यूज़पेपर छूट गया। तो कंक्लूजन क्या था, ब्रीफ वीडियो मुझे किसी को नहीं दिखाना, दैट इज ओनली फॉर मी, तो उसमें बहुत ज्यादा सुंदर लगने की जरूरत नहीं थी, राइट एंड सेकेंड इज मेरा स्विमिंग मिस हो गया बिकॉज उससे पहले आई वॉज वॉचिंग वेब सीरीज, तो फोन के ओवर यूज करने की वजह से मैंने सोचा कि वेब सीरीज के 2 एपिसोड्स बाकी है, खत्म कर देते हैं, स्विमिंग कल चले जाएंगे, दैट्स वाई आई मिस्ड ऑन टू इट। तो लिस्ट में अब ये 2 चीज रिकॉर्ड हो चुकी है कि आज क्या नहीं करना है, अब ये रीजन्स दोबारा कभी रिपीट नहीं होने चाहिए, दैट शुड Be my promise to myself. तो इस तरीके से कुछ हम अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, राइट टेल मी हाउ यू फेल्ट अबाउट दीज वीडियोज, 10 के 10 स्टेप को आप प्लीज रिकॉर्ड कर लो ताकि आप अपना टाइम टेबल बेटर फॉर्मेट से बना पाओ, एंड ट्रस्ट मी ये 10 स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया, आपका बेस्ट टाइम टेबल, एक पर्सनल टाइम टेबल रेडी हो जाएगा, एंड अभी बनाओगे तभी फायदा है, अदरवाइज सोचते रह जाना, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट। और एक और कोट याद रखते जाओ, अगर आप एक्शन करोगे ना तो आप एक्शन ही करते रहोगे, अगर आप इन एक्शन में रहोगे तो इन एक्शन विल फॉलो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगेन साइंस बता के जा रही हूं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ समथिंग is in the rest position, it will continue be in the rest position until unless some external force is being applied on it, and if something is in motion it will continue in motion until unless some external force is stopping it, ठीक है। तो अगर एक दिन बुक नहीं पढ़ी, दूसरे दिन भी मन करेगा ना पढ़ूं, दूसरे दिन नहीं पढ़ी, तीसरे दिन भी, और वो फॉलो होता जाएगा, तो बेटर है
लॉ ऑफ इनर्शिया को आप मोशन के लिए, एक्टिविटी के लिए यूज करो, रेस्ट के लिए यूज ना करो. साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, टेल मी हाउ यूजफुल दिस वीडियो वॉज. और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट, आई विल मेक वीडियो ऑन इट. गुड बाय, जय हिंद.